डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में हमें बताया जाता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर मधुमलाई टाइगर रिजर्व है और वहाँ पर थेपाकाडु एलिफेंट कैंप, जो एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एलिफेंट कैंप है, जिसकी स्थापना 140 साल पहले हुई है। इस जंगल में कट्टू नायकम समाज के लोग रहते हैं, जिसका मतलब है जंगल का राजा। इन सब में एक है बमन, जो पुजारी और महावत दोनों हैं। इनके पूर्वज शुरू से जंगली जानवरों के साथ रहते आए हैं, इसीलिए बमन और बिल्ली को जानवरों से बहुत प्यार है। उनके पास वन विभाग से फोन आता है, उन्हें एक हाथी का बच्चा देखभाल के लिए सौंपा जाता है। रघु की हालत बहुत खराब थी, उसकी पूंछ को कुत्तों ने काट लिया था और उसके गांव में कीड़े पड़ गए थे। रघु की माँ की मौत बिजली के झटके लगने से हुई थी। लंबे अकाल के कारण उनका झुंड खाने और पानी की तलाश में गांव में भटक रहा था। रघु को उसके झुंड से मिलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बमन और बिल्ली ने रघु का ध्यान एक बच्चे के जैसे रखा। उसका बचपन में देखभाल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब वो इनके पास आया था तो उसकी हालत बहुत खराब थी। बमन और बिल्ली को रघु की देखभाल करते हुए 3 साल हो गए। रघु अब बड़ा हो गया है। बमन ने उसके गले में घंटी लगा दी ताकि रघु कहीं जंगल में खो ना जाए। रघु का एक दोस्त है कृष्णा। कृष्णा ने उसे घास तोड़ना सिखाया। बमन और बिल्ली रघु का पूरा ध्यान रखते हैं। बमन उसे रोज नहलाता है। बिल्ली के पति को बाघ ने मार दिया था। बिल्ली कबीले की औरत थी। कट्टू नायकम होने के कारण उन्हें हाथियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो भारत की पहली लेडी बनी जो हाथियों की देखभाल कर रही थी। ये जानवर बात नहीं कर सकते, इसलिए बिल्ली रघु का ध्यान माँ बनकर रख रही थी। बिल्ली की एक बेटी थी जिसकी कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी। रघु ने अपने सूंड से बिल्ली के आंसू पोंछे थे। इसकी ये हरकत ने बिल्ली को सुकून दिया था। रघु को जौ के लड्डू बहुत पसंद थे। उसे नारियल और गुड़ भी बहुत पसंद था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिससे अब रघु को खाने के लिए और घास मिलेगी। रोज रात के टाइम बिल्ली रघु को ट्यूब से दूध पिलाती है। विशेष पूजा का दिन आता है। आज के दिन हाथियों के बच्चों को गणपति से आशीर्वाद दिलाने के लिए लाते हैं। इस दिन सब हाथियों को सजाया जाता है। सब हाथी भगवान के आगे झुकते हैं। बमन कहता है उसके लिए हाथी की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा है। बमन रघु को भगवान का ही एक रूप मानता है। अब मौसम बदल रहा था, अब गर्मियां आ गई थी। जंगली हाथी खाने पीने के लिए धूप में भटक रहे थे, जिनमें बच्चे अक्सर पीछे छूट जाते थे। वन विभाग वाले एक सुबह 5 बजे बमन को कॉल करते हैं। वो बमन और बिल्ली को एक छोटे हाथी का बच्चा सौंपते हैं, अम्मू। अम्मू 5 महीने की है। अम्मू के आने से रघु हफ्ता भर बहुत नाराज रहा, लेकिन जल्द ही रघु और अम्मू दोस्त बन गए। अम्मू और रघु का ध्यान रखते रखते बमन और बिल्ली का रिश्ता भी गहरा हो गया। उन दोनों ने शादी करने का सोचा। घर को सजाया जाता है, दोनों नए कपड़े पहनते हैं। रघु और बिल्ली को भी तैयार किया जाता है। बमन और बिल्ली दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और शादी करके बमन और बिल्ली रघु और अम्मू के साथ घर आ जाते हैं। बिल्ली की एक पोती होती है जिसका नाम संजना है। बिल्ली संजना को भी हाथियों का ध्यान रखना सिखाती है। बमन और बिल्ली इन हाथियों के लिए माँ बाप जैसे ही हैं। वो उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। पूरी मेहनत और देखभाल के साथ हाथियों को भी प्यार और स्नेह की ज़रूरत होती है। बमन और बिल्ली की शादी के कुछ समय बाद उन्हें वन विभाग से फ़ोन आता है। वो रघु को दूसरे देखभालकर्ता को सौंपना चाहते हैं, क्योंकि रघु अब बड़ा हो गया है। बमन और बिल्ली ने वन विभाग से बहुत विनती की, लेकिन वो नहीं माने। रघु के जाने वाले दिन अम्मू बहुत रोई। बमन और बिल्ली ने कुछ दिन तक खाना भी नहीं खाया। वो दोनों बहुत दुखी थे। अम्मू ने भी बहुत दिन तक दूध नहीं पिया। बिल्ली को पूरे गांव में अब हाथियों की माँ के रूप में जानते हैं, जिसका उसे बहुत गर्व भी है। आज भी अगर बमन रघु को आवाज़ लगाता है, वो दौड़ता हुआ बमन के पास आ जाता है। बमन और बिल्ली चाहते हैं आजकल के बच्चे उन्हें काम करता देखकर हाथियों का ध्यान रखने की परंपरा को आगे बढ़ाएं। बिल्ली और बमन साउथ इंडिया के पहले ऐसे कपल हैं जिन्होंने 2 अनाथ हाथियों के बच्चों को पाला। अम्मू और रघु अब बड़े हो गए हैं और अम्मू अब 3 साल और रघु 7 साल का हो गया है। इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म हो जाती है।